ये पहल है जो आज पूरी दिल्ली के बच्चों ने और दिल्ली के लोगों ने मिलकर इसको कामयाब बनाया है। दिल्ली में यूं तो बड़ी बड़ी इमारतें देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन हरा भरा शहर भी इस दिल्ली के दिल में बसता है। इसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम ऐसे इलाके में मौजूद हैं जहां पर वन विभाग और सेना की तरफ से बहुत ही खूबसूरत प्रयोग किए जा रहे हैं, और यहां की सबसे अहम बात यह है कि सामने आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, यहां पर एक वाटर बॉडी को जनरेट किया जा रहा है ताकि दूर दराज से आने वाले दुर्लभ पक्षी यहां पर रुक सके। अब तक यहां पर सिर्फ जंगल देखने के लिए मिलता था, लेकिन अब यहां पर जो पेड़ लगाने का काम किया जा रहा है उसके साथ साथ आप चारों तरफ एक खास वाटर बॉडी भी देखने के लिए मिलेगी। और देखना ये भी दिलचस्प होगा, जिस तरह से जल संकट को लेकर दिल्ली में सवाल खड़े होते हैं, पानी का लेवल काफी नीचे चले जाता है, तो ऐसे में जो वाटर बॉडीज हैं जो जंगलों के भीतर जनरेट की जा सकती हैं, ये काफी मददगार साबित हो सकती है। तो यहाँ पे दिलचस्प बात यही है कि इस जंगल में जहाँ पर सिर्फ पेड़ पौधे होते हैं, वहां पर खास तौर से जो वाटर बॉडीज बनाई जा रही हैं, उसे बड़ा रूप देने में सरकार कितना कामयाब हो पाती है। प्रदूषण फैलता है तो ये कहा जाता है कि दिल्ली में पेड़ों की बहुत कमी है, और ऐसे में हम सरकार पर काफी ज्यादा सवाल भी खड़े करते हैं, लेकिन जरूरी ये भी है कि आम लोग इसका हिस्सा बने और साथ ही साथ इस बात को लेकर लोगों को जागरूक करें कि वो कम से कम अपने घर के आसपास एक पेड़ जरूर लगाएं।